जोरदार तालियां बजाइए विवेक ठाकुर माइक। कार्यक्रम होने से पहले दादा पीछे एक बुजुर्ग हमसे मिले, कहने लगे बेटा ये तुम्हारा क्रियाक्रम कितने टाइम स्टार्ट है? हम कहे बाबा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम होता। हां बढ़िया। कहने लगे वो एक ही बात है। हम कहे क्रियाक्रम कार्यक्रम एक बात है, तो तुम्हारे जैसे चार छह लोग आ जाए हमारा क्रियाक्रम चालू हो जाएगा। आपकी तालियां बजे साहब। अच्छा बहुत अद्भुत माहौल, घर से बहुत अच्छा हास्य निकलता। अभी कोरोना में बहुत अच्छा हास्य बना। जो लोग दादा घर में बैठ करके नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना गा रहे थे, वो अपनी दुकान पर दो रुपए एक चीज 20 रुपए में बेच रहे थे। आपने देखा होगा। हमारी पत्नी आज हमसे बोली, कहने लगी कहां जा रहे हो जान? तो हम कहे जान काहे कह रहे हैं? कहने लगी जानवर कहने में लंबा होता है। हम कहे जानवर कहने में लंबा होता है? तो हम कहे माधव टांडा कवि सम्मेलन में जा रहे हैं रानी। तो कहने लगी रानी का है कह रहे हैं? तो हम कहे नौकरानी कहने में लंबा होता है। आपकी तालियां बजे साहब। मैं आपके बीच एक कविता पढ़ता हूं। मैं शादी के बाद से रहने लगा उदास, मेरी पत्नी ले गई एक नौते के पास। मैं शादी के बाद से रहने लगा उदास, मेरी पत्नी ले गई एक नौते के पास। एक नौते के पास वहां पे मुझे दिखाया, बता दिया मेरे ऊपर भुतनी का साया। नौता बोला हमें देखकर हमसे बानी, क्या तुमको वो कभी खुली आंखों से दिखानी। तब मैंने नौते को जो जवाब दिया कि खुली आंख से देखने की तुम करते बात, जब से शादी हुई है रहती है वो साथ। जब से शादी हुई है रहती है वो साथ। उसी की हम पे साया, सभी जगह महाराज हमें है गया दिखाया। कहे विवेक कबीराय स्थिति मेरी सवारो, इस साये से परम प्रिय तुम मुझे बचा लो। इस साये से परम प्रिय तुम मुझे बचा लो। एक माँ कविता मैंने लिखी, मेरी माँ कविता बहुत वायरल हुई। मैं चाहता हूँ उस कविता को पढ़ें। माँ की वंदना इस तरीके से भी की जा सकती है, सुनिएगा। कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, सभी मित्र बैठे हुए हैं, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको पाला है, हम उसको क्या दे पाए हैं? जिस माँ ने दिया निवाला है, जन्मदायिनी मात्र शक्ति तुम अटल त्रिवेणी गंगा हो। जनगण मन अधिनायक तुम हो, भारत माँ का झंडा हो। जन्म हुआ तो माँ की गोदी में ही पलकर बड़ा हुआ, और पकड़कर माँ की उंगली निज पैरों पर खड़ा हुआ। रोते रोते कभी कभी धरती पर ही सो जाते थे, उठते थे तो अपने को अपने बिस्तर पर पाते थे। गुस्से में कई बार हमने निज खेल खिलौने तोड़े थे, मैंने तो कभी नहीं जोड़े, जाने किसने वो जोड़े थे। कपड़े गंदे गंदे करके जब घर पे आया करता था, जादू से दूसरे दिन कपड़ों को साफ ही पाया करता था। ये जादू का खेल बहुत दिन समझ नहीं पाया था, ये सब कौन किया करता ये समझ नहीं आया था। तब समझा जब मेरी माँ एक दिन बीमार पड़ी थी, मैं रोया था बहुत ये सारे जादू माँ करती थी। मैं रोया था बहुत ये सारे जादू माँ करती थी। दुनिया की सारी माओं को शीश झुकाया करते हैं, तब से मातृ वंदना में हम माँ की कविता गाया करते हैं। माँ की वंदना ऐसे भी की जा सकती है साहब। माँ की वंदना इस तरीके से भी की जा सकती है। और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उसमें सुनिएगा कि बलि वेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को। आदरणीय दादा, देश की बड़ी कवित्री आदरणीय हेमा पांडे जी बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जिस माँ ने हमको जन्म, बलि वेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को। मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को, बलि वेदी पर भारत माँ के लिख दूंगा अंगारों को। मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को, क्या भारत माँ के वीरों के बलिदानों को भूल गए? ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल के अरमानों को भूल गए? लगता है इतिहास तुम्हारी आंखों पर ना छाया हो, न आंखों से किसी ने तुमको ना इतिहास सुनाया हो। क्या उन वीरों की माओं के क्रंदन करुण नहीं होंगे? क्या उनकी अबलाओं के भी तन मन नहीं हिले होंगे? सेज छोड़कर चले गए ऐसी पत्नी के प्यारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं पर तलवारों को। और पंक्तियां पढ़ता हूं, इस धरा पर किन लोगों का अधिकार है, सुनिएगा। कि वीरांगना झांसी रानी और दुर्गावत की धरती है, राम कृष्ण और भरत शत्रुघ्न हनुमान की धरती है, राम कृष्ण और भरत शत्रुघ्न हनुमान की धरती है, नानक सूर रहीम कबीर बिहारी जी की धरती है।
धरती है, ध्रुव प्रहलाद बलि भागीरथ रघुराम की धरती है, चंद्रशेखर आजाद सुभाष और भगत सिंह की धरती है, मदर टेरेसा इंदिरा गांधी शकुंतला की धरती है। मिट्टी में क्यों मिला रहे हो तुम इनके अरमानों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। अगली पंक्तियां पूरे मंच का आशीर्वाद चाहते हैं, ध्यान चाहता हूं। वैसे भी कविता कान का विषय नहीं, ध्यान का विषय है, सुनिएगा। आपके आपका मन मांगता हूं, सुनिएगा। एक छोटी सी घटना पढ़ता हूं। मैं एक जूस के ठेले पर जूस पी रहा था, अचानक एक टूटी हुई साइकिल लिए एक बुजुर्ग, उसके पीछे फटे पुराने वस्त्र पहने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। उस बच्ची ने इशारा किया, बाबा मैं भी जूस पीऊंगी। बुजुर्ग उस छोटी सी बच्ची को लेकर के जूस के ठेले के पास पहुंचा। जूस के ठेले वाले से जूस के गिलास का रेट पूछा। साहब, जूस वाले ने जूस के गिलास का रेट जब 20 रुपए बताया, तब मुझे लगा उसकी जेब में 20 का नोट नहीं था। ये दर्द है साहब, 20 का नोट नहीं था तो इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने अपनी छोटी सी बच्ची को दादा जो जवाब दिया, वो जवाब दिल दहला देने वाला जवाब था। उसने जवाब दिया कि ये हम लोगों के पीने की चीज नहीं है। मैं घर पे आया, मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने अपने जूस का गिलास उस बच्ची को दे दिया। घर पे आया, आंखों में आंसू, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, सार्थक पंक्तियां आपको लग जाए, आपके दिल में ठक से लगे जाकर के, तब तालियां चाहता हूं। सुनिएगा कि मैंने नन्हे बच्चों को भूखे सोते भी देखा है, मैंने 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 नन्हे बच्चों को भूखे सोते भी देखा है, बिना दवा के रोग ग्रसित नन्हे बच्चों को देखा है, रोटी के अभाव में मैंने बने लुटेरे देखे हैं, और कड़कती ठंड में मैंने तम्बू डेरे देखे हैं, मैंने पत्थर तोड़ रहे निर्धन जन को भी देखा है, सरकारें मर गई हाय कैसी गरीबी देखा है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती कैसा बचपन है, कौन कह रहा है मेरा भारत तो बिल्कुल संपन्न है। मैं ऐसे बचपन को कर स्मरण बहुत ही रोता हूँ, अपने आंसू से ऐसे बचपन के मुंह को धोता हूँ। एक तरफ भूखा बचपन नहीं भर भर के रोता है, एक तरफ काले धन वाला वो गद्दार भी सोता है। कहीं छुपो तुम श्राप मुक्त नहीं हो सकते इस बचपन से, कभी नहीं तू बन सकता है काल कराल के इस गन से, शर्म नहीं आती है काले धन वाले गद्दारों को। मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को, मैं नन्हे से हाथों को भी पकड़ा दूं तलवारों को। कविता बहुत है, टीम लंबी है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद।